हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हिटाची लेके आया हूँ 110, और इसका कंडीशन जानेंगे और इसका प्राइसेस क्या है, मॉडल क्या है, मैं सब आपको आगे चल के मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम इसका बुशिंग देख लेते हैं, बुशिंग और बैकेट का बुश कैसा है और सेक है कि नहीं है। और दूसरी बात, इसका ब्रेकर का पाइपलाइन है, और इसमें ब्रेकर नहीं है, सिर्फ ब्रेकर का पाइपलाइन है। ओनर से मैं पूछा था तो उन्होंने बोला भाई ब्रेकर नहीं है, ब्रेकर का पाइपलाइन आपको मिल जाता है, देखो पाइपलाइन आया हुआ है। और इसका जो भी है सब कंडीशन मैं आपको एकदम क्लियर ही बता देता हूँ। ओनर का कहना है जो भी है सब बुशिंग का काम हुआ है इसमें, और कुछ ऐसा काम नहीं है। और मैं फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, फिर मैं आपको अभी आगे चल के मैं स्टार्ट करके भी मैं दिखा देता हूँ, मैं पहले इसे मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ इसलिए कि मुझे और भी आगे जाके अभी वीडियो बनाना है दूसरे मशीन का। और मैं पहले स्टार्ट करता हूँ, फिर आपको एकदम बराबर समझ में आएगा, क्योंकि ये बड़ा मशीन है, इसका बुशिंग का थोड़ा सा ज़्यादा वो रहता है ना, तो मैं अगर ऐसे दिखाऊंगा तो आपको बुशिंग का ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो मैं स्टार्ट करके फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। और बैकेट तो आप देख ही सकते हो, 110 का है, तो भाई 110 का तो सही है, 2015 मॉडल है मशीन, 2015 मॉडल में तो भाई बैकेट ऐसे ही रहता है, बाकी सब सर्विस किया हुआ है। और इसका स्विंग मोटर का जो बैरिंग आता है, बैरिंग इन्होंने डाला हुआ है, उन्होंने बोला कि बैरिंग डाला हुआ है। और चैन भी भाई ठीक है, ग्रीसिंग व्रीसिंग की है, टाइट है। और हाइड्रोलिक पंप के भी ऊपर दिखा देता हूँ, आपको ऑयल लीकेज नहीं मिलेगा, मैं पहले ही देख लिया था, उसके बाद मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले चेक कर लेता हूँ कहाँ से ऑयल लीक है, तो मैं वहाँ का भी वीडियो आपको दिखा दूँ कि भाई यहाँ से ऑयल लीक हो रहा है। मेरे हिसाब से तो ऑयल लीक कहीं से भी नहीं दिख रहा है, आप भी देख के मेरे को बताना कि अगर ऑयल लीक है तो फिर उसके लिए फिर देखेंगे, सही करा देंगे। अब ये हो गया, इसको बंद करता हूँ और आपको मैं अभी उस तरफ से भी दिखा देता हूँ। उसके बाद ओनर ने बोल रहे थे कि इसका बैटरी का कनेक्शन निकला हुआ है, तो एक बार वो भी चेक कर लेता हूँ, अगर बैटरी है तो फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करके उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और बाकी इस तरफ से तो भाई आप देख ही रहे हो, चैन भी देख रहे हो, चैन का भाई तो कंडीशन सही है। बैटरी का कनेक्शन लगा हुआ है, मैं एक बार स्टार्ट भी करके आपको दिखा देता हूँ। और मैं अभी कैमरा भी दूसरे किसी को देना पड़ेगा, मैं कैमरे देख के उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर आगे का जैसा भी रहेगा कंडीशन आप स्टार्ट कर हालत में भी देख सकते हो। അവിടെ താക്കോൽ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്വിച്ചാണ് കേട്ടോ, സ്വിച്ച് ഉണ്ടോ ബാക്ക്? मैं मशीन स्टार्ट किया हूँ, आप तो देख ही रहे होंगे, और इसका आवर्स जो चला हुआ है 7000 घंटा चला है। थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है क्योंकि ऊपर से मट्टी डस्ट बैठा है ना, इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन 7000 घंटा चला हुआ है। और इनका भी कहना है 7000, और
ये जो देख रहे हो आप, ये ब्रेकर का पैडल है, ब्रेकर मारते हैं ना उसका पैडल है। और बाकी तो सब भाई सब सेम ही है, जो मतलब हर मशीन में रहता है सब वैसे ही है। और बाकी का जो भी है कंडीशन में आपको एकदम क्लियर ही दिखा रहा हूँ, सब यही कंडीशन में है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे ही कंडीशन में है। इसका ध्यान देना, चाबी इग्निशन ऑन करने के बाद पुश बटन है, पुश बटन से स्टार्ट होता है। पर मेरे को उतना क्लियर चलाना नहीं आता, मेंटेनेंस के बारे में तो मैं दिखा दिया, स्टार्ट करके बैकेट ऊपर उठा के नीचे कर दिया हूँ। मैं थोड़ा सा आगे पीछे भी करके दिखा देता, लेकिन मेरे को उतना क्लियर नहीं आता चलाना, तो इसलिए मैं बस स्टार्ट करके बस ऐसे में आपको दिखा दिया हूँ। और किसी को अगर चाहिए तो फिर मैं इनको ओनर को ही मैं बोल दूँगा, तो अपना पूरा अच्छा से ऑपरेट करके वो दिखा देंगे, वीडियो बना के मैं फिर से आपको भेज दूँगा। और बस अभी वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, और भी आगे मेरे को बहुत सा गाड़ी का वीडियो बनाना है, तो मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और सभी लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें कमेंट में।